हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक वंस अगेन टू आर यूट्यूब चैनल दैट इज़ इनक्रेडिबल अभिषेक योर सक्सेस पार्टनर सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू हैव एनालिसिस दिस टू टू दैट इज ऑन योर स्क्रीन आज हम इस वीडियो में इन दो बुकलेट के बारे में चर्चा कर रहे होंगे एक दृष्टि आई ए एस की की है और दूसरा घटना चक्र का जो कंपाइलेशन आता है प्रीवियस ईयर उसका है तो ये दोनों बुक हिंदी मीडियम में इसलिए ये वीडियो आपका हिंदी मीडियम में होने वाला है तो इसके बारे में हम बात करेंगे उससे पहले मैं आपको कुछ ज़रूरी बातें बतला देता हूँ कि सबसे पहले तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपको हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाने की ज़रूरत है अगर आप वीडियो सेक्शन में जाते हैं तो आपको बहुत सारे वीडियोस ऐसे मिलेंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाले आपके प्रिपरेशन के लिए सेकेंडली अगर हम बात करते हैं कि आप हमारे एस आई एस जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल में अभी जल्द कुछ कोर्सेज़ आने वाले हैं जिससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं इसके अलावा अगर आप पी को डाउनलोड करना चाहते हैं फ्री ऑफ़ कॉस्ट तो आपको एस आई एस या एस आई एस वन सर्च करने की ज़रूरत है टेलीग्राम पर जो चैनल मिलेगा दोनों ही चैनल हमारे ऑफिशियल चैनल हैं आप उस चैनल को ज्वाइन करें और वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे ईयरली कंपाइलेशन और अलग करंट अफेयर के मैगजींस भी ठीक है तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले देखिए ये दो बुकलेट्स हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे होंगे पहला है हमारे सामने घटना चक्र की ये बुक और दूसरा है ये हमारे रिव्यू में क्या क्या कंपोनेंट्स होने वाले हैं उस पर हम थोड़ा सा पहले बात कर लेते हैं कि सिर्फ हम ये नहीं बातें करेंगे कि इस बुक में क्या आपको मिलता है इस बुक में क्या मिलता है हम ये भी बातें करेंगे कि किस एग्ज़ाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको कौन सा बुक को प्रेफर करने की ज़रूरत है अगर आप यू पी पी की कर रहे हैं तो आपको कौन सी की जरूरत है बी पी कर रहे हैं तो किसकी और यू पी पी यू पी एस की सी एस की कर रहे हैं तो किसकी तो पूरा कॉम्प्रिहेंसिव ये होने वाला है इस वीडियो का रोड मैप यही होगा पहले इंट्रोडक्शन होगा फिर एनालिसिस फिर रिव्यू तो स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोनों बुक के ऊपर तो एक हमारे सामने बुक आ जाती है वो दृष्टि की है ठीक है तो एक हमारे सामने बुक आ जाती है दृष्टि की द सेकेंड वन इज़ द सेकेंड वन इज़ योर घटना चक्र ओके okay? तो देखिए दृष्टि में भी आपको ऑलमोस्ट कंपाइलेशन ही मिलता है यूपीएससी और डिफरेंट स्टेट पीसीएस के कुछ एग्जाम्स के और यूपीएससी जितने भी एग्ज़ाम्स लेता है जैसे कि सीडीएस सीएपीएफ एनडीए इन सभी एग्ज़ाम्स के और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस अलग से घटना चक्र में भी आपको कंपाइलेशन मिलते हैं यू के एग्ज़ाम्स के बट यू में सिर्फ सी और आपको स्टेट पी सभी मिल जाते हैं जो नॉर्दर्न बेल्ट में होते हैं उन सभी के आपको पेपर्स मिल जाते हैं अब देखिए थोड़ा सा हम अगर एक चीज़ को देखते हैं कि दृष्टि में जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड है वो बहुत अच्छा है ठीक इस है इसमें क्वेश्चन के स्टैंडर्ड थोड़े से लो है रीज़न है कि आपको इसमें जो कंपाइलेशन मिलता है वो आपको वो आपको सेट पीसीस का मिलता है तो स्टेट पीसीएस का मिलने की वजह से बहुत सारे क्वेश्चन की रिपीटेशन्स बहुत ज़्यादा होती हैं रिपीटेशन्स के बाद उसमें क्वेश्चन के जो स्टैंडर्ड है उतना हाई नहीं रहता है ठीक है तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस हो गया अब अगर हम बात करते हैं कि अगर आप यू अगर आप यू के किसी भी एग्ज़ाम की प्रपेशन कर रहे हैं सी तो छोड़ दिए अगर सी एस कर रहे हैं तो डेफ़िनेटली वो होगा बट अगर सी एस के अलावा अगर आप तैयारी कर रहे हैं सी डी एस की सी ए पी एफ़ की एन डी एग्ज़ामिनेशन की तो मेरे हिसाब से आपको किसके साथ जाना चाहिए दृष्टि के साथ जाना चाहिए रीज़न है क्वेश्चन के, के स्टैंडर्ड आपको अच्छे मिलते हैं बट अगर आप किसी भी स्टेट पीसीस की तैयारी कर रहे हैं चाहे वो यू पी ही क्यों ना हो बिकॉज यू पी में भले ही स्टैंडर्ड हाई हो चुका है क्वेश्चन का बट जो क्वेश्चन हैं वो अभी भी बहुत ज़्यादा मेजोरिटी ऑफ़ द क्वेश्चन आर बिंग फ्रॉम योर स्टैटिक कॉम्पोनेंट और द वन लाइनर क्वेश्चन अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपके फैक्ट्स एंड फिगर्स पे आ रहे हैं तो अगर आप किसी भी स्टेट पीसीस की तैयारी कर रहे हैं वो बी हो सकता है एम पी हो सकता है यू पी हो सकता है राजस्थान का रास हो सकता है आर तो आपको जाना चाहिए घटना चक्र के साथ ठीक है रीज़न है कि उसमें जो आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस मिल जाते हैं रिपीटेड क्वेश्चंस मिलेंगे बट वो आपको एक अच्छा कंपाइलेशन प्रोवाइड करता है और एक ज़्यादा क्वेश्चंस के कंपाइलेशन प्रोवाइड करता है अगर हम बात करते हैं एक्सप्लेनेशन पार्ट की दोनों बुकलेट में तो एक्सप्लेनेशन दोनों ही बुक में अपने आप में बेहतर है घटना चक्र में आपको एक एक्स्ट्रा कॉम्पोनेंट और मिल जाता है जो आपका स्टेट पी के अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है क्या आपको कंपाइलेशन मिलता है हर चैप्टर से पहले वो कंपाइलेशन आपके लिए यूज़फुल होगा फॉर एग्जांपल अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन है तो उस इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड जो भी कंपोनेंट्स हैं जिस तरह के क्वेश्चंस आ चुके हैं एग्ज़ाम में उसका आपको एक कंपाइलेशन मिल जाता है चैप्टर के स्टार्ट होने से पहले तो आप कह सकते हैं शॉर्ट नोट्स या एक रिविजन नोट्स के रूप में आपको कॉम्पोनेंट भी मिलते हैं इसमें इस तरह का कोई भी कॉम्पोनेंट आपको दृष्टि में देखने के लिए नहीं मिलता ठीक है बट उस तरह का कॉम्पोनेंट आपको स्टेट पीसीस के एग्जाम में बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है रीजन है कि जो क्वेश्चन हैं अगर हम बात करते हैं बी के बी में अगर आप देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के 90 परसेंट क्वेश्चन जो 2020 में एग्जाम हो वो आपका घटना चक्र से सॉल्व हो सकता था इफ यू हैव डन द कंपाइलेशन पार्ट वेरी वेल तो ये आपको एक बहुत अच्छा एज मिल जाता है सेकेंडली बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो प्रीवियस ईयर के कंपाइलेन्स प्रीवियस ईयर के कोश्चन्स लेके उनसे नोट्स बनाते हैं तो अगर आप ये बुकलेट ले लेते हैं तो आपको उनसे नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अगर कोई भी नया फैक्ट आता है तो उसको वो अपने रिविज़न नोट में डाल देते हैं तो आप रिविज़न नोट्स के थ्रू इसको रिवाइज़ कर सकते हैं थर्डली एग्जाम से पहले इसको रिवाइज़ करना बहुत ही ईजी हो जाता है बिकॉज आपको हर चैप्टर के वन पेज वन एंड हाफ़ पेज जो कॉम्पोनेंट है रिविज़न नोट के रूप में मिलता है तो इस कारण से रिविज़न करना भी आसान हो जाता है तो लेकिन बात क्या हो जाती है कि अगर आप यू पी एस की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी घटना चक्र यूज़फुल है बट उतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं होगा रीज़न है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन आएंगे वो कॉन्सेप्चुअल आएंगे तो जितना ज़्यादा आपकी कॉन्सेप्ट में पकड़ होगी वो आपके ज़्यादा यूज़फुल होगा और जब हम कॉन्सेप्ट पकड़ की बात करते हैं तो दृष्टि आई में जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपको मिलते हैं वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपको मदद करती है कॉन्सेप्ट में पकड़ बनाने के लिए। और दोनों ही बुक चैप्टर वाइज है या आप जान लें तो चैप्टर वाइज होने की वजह से आप इसको हर चैप्टर के कंप्लीशन के बाद आप देख सकते हैं किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं ठीक है सेक थर्डली मैं अगर बताऊँ तो आप ये भी देख सकते हैं कि जो आपका दृष्टि है वो सिक्स बुक्स के कंपोनेंट में आता है यानी आपको टोटल सिक्स बुक्स इसमें मिलते हैं और अगर आप घटना चक्र लेते हैं तो उसमें टोटल एट कॉम्पोनेंट्स हैं एट बुक्स का ये अपने आप में कॉम्पोनेंट हो जाता है थर्डली अगर बात करें कि क्या हमें वो दोनों बुक लेना चाहिए तो डेफिनेटली अगर आप यू के साथ साथ स्टेट पीसीस को देख रहे हैं तो दोनों ले लेंगे तो बेटर होगा बिकॉज आप एक से कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे वर्क पे कर सकते हैं सेकेंड बुक आपका घटना चक्र जो है रिविज़न के साथ साथ आपको प्रैक्टिस में भी मदद करेगा तो इन दोनों कॉम्पोनेंट को हम देख सकते हैं इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो दृष्टि और घटना चक्र में तो देखिए आपको जो भी मेजर मेजर कॉम्पोनेंट्स हैं अगर हिस्ट्री की बात करें जोग्राफी की बात करें ये सारा तो आपको मिल ही जाता है दोनों में ही मिल जाता है घटना चक्र में करंट अफेयर का भी एक अलग से मिलता है उसके बाद आपको स्टेट स्पेसिफिक भी मिलता है जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये स्टेट पीसीएस के लिए है तो स्टेट स्पेसिफिक भी मिलता है आप स्टेट स्पेसिफिक वाला भी ले सकते हैं वो भी आपके लिए यूजफुल हो जाएगा बाकी एक्सप्लेनेशन सब कुछ दोनों में ही अपने आप में बेहतर है एरर्स की अगर बात करें तो घटना चक्र में आपको कुछ एरर्स मिल सकते हैं बहुत ही कम मिलेंगे बट मिल सकते हैं दृष्टि में भी कुछ एरर्स हैं बट ज़्यादा नहीं है अगर कंपेयर करें हम घटना चक्र से तो कंपेरेटिवली कम है कोई माइन्यूट वन और टू एरर आपको पूरे बुक में मिल सकता है अगर एक बुक में पंद्रह सौ का कंपाइलेशन है तो माइन्यूट वन और टू एरर आपको देखने के लिए मिल सकते हैं बट घटना चक्र है तो उसमें फाइव सिक्स एरर्स मिल सकते हैं तो ये भी एक अपने आप में कॉम्पोनेट हो जाता है तो ऑन अ फाइनल नोट मैं यही कहना चाहूँगा कि आप इसको फाइनल नोट के रूप में ले सकते हैं कि अगर आप यू के किसी भी एग्ज़ाम और सी सी हो सकता है वो सी डी एस हो सकता है वो सी ए पी एफ हो सकता है वो एन डी ए हो सकता है या फिर जो इंजीनियरिंग सर्विसेज की एग्जामिनेशन होती है आप सी एस ई में ही आप अगर आप फॉरेस्ट वाले तैयारी कर रहे हैं तो तो आपको दृष्टि के साथ जाना चाहिए दृष्टि आपके लिए एक बेटर कॉम्पोनेंट हो सकता है लेकिन अगर आप कोई भी स्टेट पी सी एस नॉर्दर्न बेल्ट में अगर है तो कोई भी स्टेट पी सी एस की अगर आप तैयारी करते हैं वो चाहे बिहार पी सी एस हो या यूपी पी पी सी एस हो या झारखंड पी सी एस हो या मध्य प्रदेश पी सी एस हो राजस्थान पी सी एस हो या फिर आपका हरियाणा पी भी हो तो इन सभी के लिए आप जा सकते हैं घटना चक्र के साथ एक अच्छा कंपाइलेशन मिलता है क्वेश्चन के स्टैंडर्ड डेफिनेटली उतने ज़्यादा अच्छे नहीं होते बट हाँ इसमें भी जो यू के क्वेश्चन होते हैं वो अपने आप में अच्छे होते हैं कुछ क्वेश्चन अगर देखें इधर लास्ट टू लास्ट ईयर्स में यूपी पीसीएस के क्वेश्चंस अच्छे हैं छत्तीसगढ़ पीसीएस की भी अगर आप तैयारी करते हैं तो ले सकते हैं छत्तीसगढ़ पीसीएस के भी क्वेश्चंस हैं वो भी कुछ हद तक अच्छे हैं बट जहाँ तक हम बीपीएससी की बात करते हैं या एम बी बी की बात करें रिपिटेशन क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा है एक ही तरह के आपको क्वेश्चन दस बारह मिल जाएंगे तो वो रिपीटेशन थोड़ा सा हेडेक हो जाता है बट डेफिनेटली तो ऑन अ फाइनल नोट यही है कि दोनों ही बुक अपने आप में अच्छे हैं मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्ज़ाम के साथ जा सकते हैं किसी भी तरह की आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल लगा हो वीडियो यूज़फुल लगा हो तो अपने आप फेलोमेट्स के साथ शेयर करें बिकॉज ये एक सिम्बॉटिक रिलेशन है सिम्बॉटिक रिलेशन दैट इज़ वी आर म्यूचुअली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर अगर हम देखें आप वीडियोज़ को शेयर करते हैं तो व्यूज़ कैसे हमें मोटिवेशंस मिलते हैं तो डेफ़िनेटली हम वीडियो के फ्रिक्वेंसी को बढ़ा पाते हैं और आपको भी वीडियो से हेल्प मिलता है सो so, ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप शेयर करें अपने फैलोमेट्स के साथ नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करें सो थैंक यू एंड हैव अ